दोस्तों, इस दुनिया में डर सबको लगता है, लेकिन जो अपने डर पे जीत जाता है वो बहुत कुछ कर जाता है। जब एग्ज़ाम आते हैं फ्रेंड्स, तो उसका फॉर्म हम बहुत ही धूमधाम से भरते हैं और तैयारी के लिए एक उचित समय का इंतज़ार करते हैं, और धीरे धीरे परीक्षाएं करीब आने लगती हैं, हमारा डर बढ़ने लगता है। और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि बहुत सारे लोग परीक्षा को ड्रॉप कर देते हैं। आप देखेंगे तो हर वर्ष PCS की परीक्षा हो या फिर लोअर PCS की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें लगभग 50-55% लोग ही परीक्षा में शामिल होते हैं। बाकी के जो फॉर्म होते हैं उसको आप यूं ही मान लीजिए। अगर हम लोअर PCS के बारे में बात कर लें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुल इस वर्ष 11,25,000 फॉर्म आए हैं, और इतनी अधिक संख्या होने वाली है। लेकिन यकीन मानिए कि कम से कम मुझे लगता है कि 6 से 6.5 लाख लोग इस परीक्षा में बैठेंगे, बाकी के जो फॉर्म हैं वो मात्र गिनती ही साबित होंगे। तो दोस्तों, एक सतत प्रयास अगर आप करते रहें तो अपने डर को भगाने का यह एक सबसे उचित माध्यम हो सकता है लोअर PCS के लिए। इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं, और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये संख्या है 26, यानी कि 25 प्रैक्टिस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 26वां आपके सामने है। और आप लोगों से निवेदन बस इतना है कि प्रैक्टिस सेट को पूरा देखा करिए, और देखने के बाद इसकी PDF के बारे में आप लोग डिमांड करते हैं फ्रेंड्स, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाया करेगी। हालांकि मैंने सोचा ये है कि एक कंबाइंड PDF बनाई जाए, यानी कि जितने भी अभी तक कंप्लीट हमने करवाए हैं प्रैक्टिस सेट, सभी की PDF एक साथ बनाकर आपको दे दी जाए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये है लोअर PCS प्रैक्टिस सेट नंबर 26, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इतना श्योर मैं इसलिए हूँ क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए आप कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं। 4 विकल्प हैं। विकल्प ए, 14 अगस्त 2019 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ध्यान दीजिएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 शुरू किया, तो ये बिल्कुल सही है। पिछले सर्वेक्षण की तुलना में यह 3 गुना बड़ा होगा, और ये भी सही है। 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए जाने वाले सर्वेक्षण के तहत लगभग 700 जिले और 17,475 गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा, ये भी सही। और 2018 में लगभग 6,000 गांव इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। तो दोस्तों, ये चारों विकल्प सही है, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। कब से बनेंगे ये? 31 अक्टूबर 2019 को बनेंगे। 31 अक्टूबर को इसलिए बनेंगे क्योंकि 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, उनका जन्मदिवस है। तो इसलिए 31 अक्टूबर से भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी होगी? 28 राज्य हो जाएंगे, और जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 9 हो जाएगी। यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे तो कुल जो राज्य होंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर भारत में, तो उनकी संख्या कितनी होने वाली है? ये हो जाएंगे आपके जो है 37 राज्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट श्रृंखला 2019 का विजेता कौन बना? अब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, T20 शारीरिक विकलांगता विश्व क्रिकेट श्रृंखला 2019 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था ये भी बताऊंगा आपको, और विजेता बना है इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। आपको ये बता दें कि फिजिकल डिसएबिलिटी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2019 ट्रॉफी का विजेता 14 अगस्त को भारत बना। भारत ने जो है मेज़बान इंग्लैंड को हराया, मतलब ये जो प्रतियोगिता हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में कहाँ पर हुई थी? तो वॉरसेस्टर में हुई थी, ठीक है। और प्रतियोगिता कौन सी है? T20 फिजिकल डिसएबिलिटी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज 2019। नाम काफ़ी बड़ा है, बस इतना याद रखिए कि वर्ल्ड कप 2019 जो विकलांगों के लिए हुआ था उसमें भारत ने अपनी जीत दर्ज की है इंग्लैंड को हराकर। इतने साल का काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ पर होगा? तो तीन दिन चलेगा ये वैश्विक निवेश सम्मेलन, और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? श्रीनगर में, ठीक है। और ये जो है चलेगा 12, 13 और 14 अक्टूबर 2019 तक, मतलब 3 दिन चलेगा ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित
भारतीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। तो क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। और सही जवाब इसका है चंद्रिमा शाह। चंद्रिमा शाह कौन है? ये जो है पहले राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की पूर्व निदेशक रह चुकी हैं, ठीक है। और अब इन्हें जो है क्या बनाया गया है, भारतीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष चंद्रिमा शाह, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 2 साल के कार्यकाल पर आधारित एक किताब जो है अभी हाल ही में आई है और इसको जो है विमोचन इसका किया है गृहमंत्री, कौन है गृहमंत्री जी, हाँ अमित शाह जी ने चेन्नई में इन्होंने विमोचन किया है 11 अगस्त को। किताब का नाम आपको बताना है और 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, सही विकल्प कौन सा होगा? जी हाँ, सही विकल्प है ऑप्शन बी, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था, इनकी मृत्यु 10 अगस्त को हो गई है और इनको जो है पनी मोरा ओडिशा के 32 फुट सैनिकों में माना जाता है, अंतिम 2 सैनिकों में से एक थे। तो दोस्तों इनका नाम क्या था? और इनका नाम था ऑप्शन सी, दयानिधि नायक। ये गांधी जी के बहुत ही कट्टर अनुयायी थे और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये उनके साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कमेंट करके बताइए आप लोग। बहुत आसान सवाल है लेकिन पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। रोजर्स कप 2019 में पुरुषों की एकल स्पर्धा का विजेता कौन है? और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजर्स कप 2019 पुरुषों की एकल स्पर्धा का विजेता राफेल नडाल, उन्होंने रिकॉर्ड जो है 5वीं बार ये कप जीता है, ठीक है याद रखिएगा। और राफेल नडाल ने पिछले साल टोरंटो में भी रोजर्स कप जीता था, ठीक है तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय होने के बाद बैंक का बड़ौदा ये देश का कौन सा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, किस नंबर का सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा? और ये जो विलय था वो 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हो गया है और उसके बाद बैंक का बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। पहले स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरे स्थान पर ICICI बैंक है और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक के अंतर्गत पूछा जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली 3 तिमाहियों में भारत की विदेशी व्यापार के आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय में 15 जनवरी 2019 को जारी किए गए और इसके अनुसार भारत का कुल निर्यात कितना अरब डॉलर रहा। देखिए यहाँ पर अरब डॉलर में ही सारे आंकड़े दिए गए हैं, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली 3 तिमाहियों में भारत की जो विदेशी व्यापार के आंकड़े हैं वो वाणिज्य मंत्रालय ने 15 जनवरी 2019 को जारी किए हैं। तो इसके अनुसार भारत का कुल निर्यात जो है वो 396.73 अरब डॉलर का रहा। तो विकल्प ए सही है और ये प्रश्न होगा करंट अफेयर्स में, इकोनॉमिक के अंतर्गत पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए कोई भी प्रश्न होगा वो आपको यहाँ पर आसान लग रहा होगा, एग्ज़ाम में आप इसे भूल जाएंगे, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाएं अपने लिए जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता हो और साथ ही साथ जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो उसकी एक प्रैक्टिस आप पहले से ही कर लें, यानी कि जो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ प्रैक्टिस सेट इसको आप रिवाइज करते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता दें कि ये जो टोटल 396.73 अरब डॉलर का यहाँ पर जो वो हुआ है क्या निर्यात, उसमें जो है भारत की वस्तुगत निर्यात और सेवाओं के निर्यात भी शामिल है, ठीक है। कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है? अब देखिए यहाँ पर कच्चे इस्पात के बारे में बात हो रही है और भारत ने एक देश को पीछे छोड़ा है और अब भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान रख रहा है भारत और इसने जो जापान को पीछे छोड़ा है, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा कच्चा इस्पात का उत्पादन होता है अमेरिका में, उसके बाद फिर भारत दूसरे नंबर पर है, तीसरे स्थान पे जापान है और चौथे स्थान पे अमेरिका हो गया, ठीक है। देखिए ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी जबकि अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर होता है, उसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल है कि अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी और महिला सदस्यों की संख्या तो बताई गई है वो है 15, ठीक है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। और ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर जो भारतीय संविधान सभा है उसका गठन किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो ये संख्या 389 निश्चित की गई थी और इसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 ये देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो सबको जो शामिल किया गया था लेकिन इसमें ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि सर्वाधिक संख्या में थे, 292। और मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296, देखिए ये कौन से प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत, 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों को स्थान मिला था, ठीक है। और उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट ये है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। और उसके बाद 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। और ये भी ध्यान दीजिए कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग शुरू कर दी थी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, ठीक है। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब यहाँ पे सवाल है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी जबकि अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या कितनी थी, सही जवाब इसका क्या होगा, ऑप्शन ए 26, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान के न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है उसमें बहुत सारी चीज़ें यानी उपबंध ऐसे हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं, कुल 10 देश हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल न्यायिक पुनर्विलोकन जो प्रणाली है ये अमेरिका से ली गई है। तो अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है, तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान का निर्माण 10 देशों के संविधान के जो प्रमुख तथ्य हैं उनको लेकर बनाया गया है। तो कितने देश, 10 देश, ये भी याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मुख्य रूप से याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन ये कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया गया संसदात्मक शासन प्रणाली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा, एकल नागरिकता, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो ये याद रखिएगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था और संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ये लिए गए हैं ब्रिटेन से। उसके बाद आता है आपका आयरलैंड, तो देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिए गए हैं आयरलैंड से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन कहाँ पे होता है, राज्यसभा में, कितने लोगों का होता है, 12 लोगों का, ठीक है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया, तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए शक्तियों का विभाजन किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है जर्मनी, तो आपातकाल के जो उपबंध हैं वो जर्मनी से लिए गए, और कनाडा से क्या लिया गया, संघात्मक विशेषताएं
अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है और उच्चतम न्यायालय का परामर्श और न्याय निर्णय, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और प्रावधान और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये दो चीज़ें ली गई हैं दक्षिण अफ्रीका से। सोवियत संघ जो कि अब रसिया के नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो लिया गया है सोवियत संघ के, ठीक है। मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो आदर्श हैं वो भी लिए गए सोवियत संघ से। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता बंधुता के आदर्श, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र नामक जो समाचार पत्र है, पत्र था, पत्रिका के संपादक कौन थे, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। उसके बाद भारत में राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया, तो दोस्तों ये ग्रहण किया था 24 जनवरी 1950 को, याद रखेंगे। और उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात और कि जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है इसे सबसे पहले कब गाया गया था, और इसे सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। और दोस्तों अब आप देख चुके होंगे कि सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो भी प्रैक्टिस सेट मैं आप लेकर आता हूँ उसमें कम से कम एक दो लेसन ऐसे होते हैं जिनका मैं पूरा आपको रिवीजन करवा देता हूँ और ये रिवीजन आपके लिए निश्चित रूप से रामबाण साबित होगा। इसकी PDF कंबाइंड PDF का थोड़ा इंतजार करें, जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज लगातार चलती रहे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।